नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 26 सितंबर 2023 को राजधानी लखनऊ के ललित कला एकेडमी में क्राफ्ट काउंसलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, नागालैंड, हैदराबाद आदि पूरे भारत से आए हुए कलाकारों ने अपने हुनर और उत्पादों का प्रदर्शन किया। इस एग्जीबिशन में ट्रिपल आर्टिजन्स की भी उपस्थिति रही। इसके बाद ट्विफ्ट इंडिया और यूपी गवर्नमेंट के ट्रबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से स्टॉल लगाए गए, जिसमें यूपी की थारू और गौड़ जनजाति द्वारा बनाए हुए कलात्मक उत्पाद लोगों को दिखाए गए। इस अवसर पर प्रदर्शनी की ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपाली बोस, उपाध्यक्ष ज्योत्सना अरुण द्वारा एग्जीबिशन में मौजूद विभिन्न स्टॉल्स पर कलात्मक उत्पादों तथा कलाकृतियों के बारे में जानकारी दी गई। श्रीमती दीपाली बोस द्वारा ये भी बताया गया कि कुछ स्टॉल्स लोकल महिला एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए रखे गए हैं, ताकि लोग यहां पर प्रदर्शनी में आएं और भारत की परंपरागत कलाओं को देखने और समझने का प्रयास करें। जयपुर से आए हैं, राजस्थान से छात्रों का प्लस बहुत सारी यूनिक वैरायटी रखी हुई है। आसाम से आए हैं, हैदराबाद रियल गर्ल्स हैं यहाँ और भागलपुर प्रिंट से आए हुए हैं। चिकनकारी इम्पोर्टेंट है, लखनऊ का है जो मैंने और आप देख सकते हैं भागलपुरी हो गया, कारू कला भी है, प्राइवेट का लगा हुआ है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। आप देखना चाहिए तो आपको पता चलेगा। कुछ खास चीजों को और आगे आपका जोड़ने का इस तरीके के एग्जीबिशन में मन है, जिसको आप चाह रही हैं कि इसको हम और एड ऑन आगे भविष्य के लिए करें? आगे मैं ये कहना चाहूंगा, आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे यहाँ देख के आने के लिए, और आगे ज्यादा से ज्यादा इसके विषय में थोड़ा सा बताएं? अभी ये जो एग्जीबिशन लगी है 7 दिन की, इसमें काफी लोग आए, उनसे जुड़े और यहाँ पर आकर के शॉपिंग की, हैप्पी कस्टमर्स कहलाए, क्योंकि यहाँ से खुश होकर के गए, उनको उनकी मनपसंद चीजें मिली यहाँ पर जैसा वो चाहते थे। क्योंकि हर कोई चाहता है कि विभिन्न राज्य से लोग आए उनकी शॉपिंग करते हैं, और जाहिर है कि लखनऊ में बैठे बैठे आपको महेश्वरी साड़ी मिल रही है कि मध्य प्रदेश से है, और बनारसी सिल्क आपको मिल रहा है, राजस्थान का वर्क भी आपको मिल रहा है, हर चीज़ के बड़े खुश थे। तो आज आखिरी दिन है। कितना महत्वपूर्ण है इस तरीके की एग्जीबिशन लोगों को जोड़े रखने के लिए, अपनी कला और संस्कृति से जोड़े रखने के लिए? लोग इंजॉय करते हैं हर चीज़, मैं तो यही चाहूँगी। अभी तो 7 दिन हुआ, इसको जितना पढ़ाएं उतना अच्छा है। आगे भी मैं चाहूँगी कि इस तरीके से और ज़्यादा। प्रोत्साहन वाली बात है कि आप किसी भी कंडीशन में हो, आपकी कला आपके साथ है, हुनर हमेशा रहता है। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।